brought to you by Cuckoo FM. Download the app now. नमस्ते, मेरा नाम है निखिल और आप देख रहे हैं ललन टॉप का इंटरनेशनल खबरों से जुड़ा बुलेटिन दुनियादारी। पिछले कुछ समय से ग्लोबल पॉलिटिक्स का बड़ा हिस्सा अफगानिस्तान पर केंद्रित है। चूंकि अफगानिस्तान भारत का पड़ोसी है, इसीलिए भारत के हित उससे सीधे तौर पर जुड़े हुए हैं। अफगानिस्तान में जो भी हो रहा है, इसका असर भारत की विदेश नीति और सुरक्षा व्यवस्था सहित कई और अहम मुद्दों पर पड़ता है। आज के शो में हम अफगानिस्तान की बात तो करेंगे, साथ में आपको ले चलेंगे बाकी पड़ोसी देशों के सफर पर भी, जैसे श्रीलंका, बांग्लादेश और चीन। बताएंगे उन देशों में क्या कुछ चल रहा है, वहां की बड़ी खबरें क्या हैं। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले चलेंगे भारत के दक्षिण की तरफ। हिंद महासागर में बसा श्रीलंका इस समय बड़े आर्थिक संकट का सामना कर रहा है। श्रीलंका के पास फॉरेन एक्सचेंज की भारी किल्लत हो गई है। इसका असर खाद्यान्न और दवाओं जैसी बुनियादी ज़रूरत की चीज़ों के आयात पर पड़ रहा है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार बुनियादी ज़रूरत की वस्तुएं अचानक से बाज़ार से गायब होने लगी हैं। श्रीलंका की करेंसी भी रुपया कहलाती है, डॉलर के मुकाबले इसका मूल्य काफ़ी नीचे आ गया है। इसके मद्देनज़र श्रीलंका के राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे ने देश भर में फूड इमरजेंसी लगाने का ऐलान किया है। मेजर जनरल MSP निबुनेहला रिटायर्ड को ज़रूरी सेवाओं का आयुक्त बनाया गया है। उन्हें व्यापारियों और खुदरा दुकानदारों के पास जमा अनाज के स्टॉक को जब्त करने, जमाखोरों को अरेस्ट करने और मूल्य निर्धारित करने का अधिकार भी दिया गया है। राष्ट्रपति ने ऐलान के दौरान कहा कि संबंधित अधिकारी अनाज और दूसरी बुनियादी वस्तुओं को खरीदकर रियायती दर पर बेच सकेंगे। आसान भाषा में कहें तो सरकार अब इन वस्तुओं की खरीदी बिक्री खुद करेगी। पहले ये काम बाजार के पास था, बाजार के ही दाम के हिसाब से काम चलता था। ये सामान्य दिनों की बात थी, लेकिन अभी इस बात का डर बढ़ गया था कि सामान की कमी के कारण जमाखोरी बढ़ सकती है और इसके बाद कीमतें जमाखोरों की मनमर्जी पर निर्भर हो सकती थी। श्रीलंका में चल रहे संकट की वजहें क्या हैं, इन्हें भी हमें समझना चाहिए, क्योंकि पड़ोसी देश है। इसका मुख्य कारण है विदेशी मुद्रा के भंडार में कमी। नवंबर 2019 में जब गोटाबाया राजपक्षे राष्ट्रपति बने, श्रीलंका के पास 750 करोड़ डॉलर का फॉरेन रिजर्व था। जुलाई 2021 तक ये घटकर 280 करोड़ डॉलर्स तक पहुंच गया था। विदेशी मुद्रा का क्या लोचा है, इसे भी समझिए। दुनिया में कुछ करेंसीज ऐसी हैं जिन्हें पूरी दुनिया में मान्यता मिली हुई है, जैसे कि डॉलर, पाउंड, यूरो और येन वगैरह। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए इन करेंसीज की ज़रूरत होती है। ये काफ़ी मजबूत होती हैं, यानी इनका मूल्य अचानक से बहुत ज़्यादा घटता या बढ़ता नहीं है, जैसा अपने यहाँ रुपए के साथ है। मान लीजिए कि श्रीलंका ने सऊदी अरब से कच्चे तेल का आयात किया, अब श्रीलंका को उसका भुगतान करना है। चूंकि दोनों देशों की करेंसी अलग है, इसलिए श्रीलंका भुगतान करेगा डॉलर्स में। यहाँ पर विदेशी मुद्रा भंडार की आपको ज़रूरत पड़ेगी और वही फिलहाल कम हो रखा है। विदेशी मुद्रा भंडार बचाने के लिए श्रीलंका ने पिछले साल गाड़ियों, हल्दी और खाने के तेल के आयात पर भी रोक लगा दी थी। हालांकि इसका कोई बड़ा फायदा नज़र नहीं आया। आयातकों का कहना है कि जिन चीज़ों पर रोक नहीं है, उसे खरीदने के लिए भी डॉलर्स नहीं मिल रहे हैं। विदेशी मुद्रा भंडार में कमी कैसे शुरू हुई, इसे समझते हैं। पहली वजह है कोरोना महामारी। कोरोना के कारण दुनिया भर में पर्यटन उद्योग ठप पड़ा हुआ है। श्रीलंका भी इससे अछूता नहीं है, एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन है क्योंकि ये देश। साल 2019 में श्रीलंका की GDP का लगभग 12% हिस्सा पर्यटन से आया था। ये श्रीलंका के लिए सबसे अधिक विदेशी मुद्रा लाने वाले स्रोतों में से एक था, लेकिन लॉकडाउन और यात्रा की बंदिशों के चलते पर्यटकों का आना लगभग बंद हो गया और इसके कारण विदेशी मुद्रा की आमद में कमी आ गई। श्रीलंका में इस समय भी लॉकडाउन चल रहा है। कोरोना के कारण रोजाना 200 से अधिक मौतें दर्ज हो रही हैं। जिस रफ्तार से कोरोना के नए मामले सामने आ रहे हैं, लॉकडाउन में बढ़ोतरी की सख्ती की आशंका जताई जा रही है। दूसरी वजह है ऑर्गेनिक खेती। श्रीलंका से निर्यात होने वाले सामानों की लिस्ट में चाय सबसे ऊपर है। चाय विदेश में बेची जाती है, बदले में उससे विदेशी मुद्रा आती है। निर्यात से होने वाली आय का लगभग 10% हिस्सा चाय की बिक्री से ही आता है। 2019 में जब गोटाबाया राजपक्षे रैलिया कर रहे थे, तब उन्होंने वादा किया था कि फर्टिलाइजर्स के आयात पर सब्सिडी दी जाएगी। गोटाबाया चुनाव जीत गए, लेकिन वो अपने वादे से मुकर गए। उन्होंने ये कहना शुरू कर दिया कि केमिकल फर्टिलाइजर्स के कारण लोगों तक जहर पहुंच रहा है। 2021 में उन्होंने फर्टिलाइजर्स के आयात पर ही रोक लगा दी, केमिकल फर्टिलाइजर्स। गोटाबाया श्रीलंका को 100% ऑर्गेनिक खेती करने वाला पहला देश बनाने की योजना पर अमल कर रहे हैं। इसी के तहत रासायनिक खाद के इस्तेमाल पर भी रोक लगाई गई है। इस वजह से चाय के अलावा दालचीनी, काली मिर्च और धान की उपज कम होने की आशंका है।
एक समय में जब श्रीलंका अनाज की किल्लत से जूझ रहा है, उपज में कमी का बड़ा असर देखने को मिल सकता है। जानकारों का मानना है कि ऑर्गेनिक खेती में सामान्य खेती की तुलना में 10 गुना अधिक खर्च आता है। वहीं ऑर्गेनिक फूड का मार्केट भी बहुत ही लिमिटेड है, बहुत कम लोग उगाते हैं, बहुत कम लोग कंज्यूम करते हैं। अगर चाय की उपज घटती है तो श्रीलंका चाय का बना बनाया बाजार हो सकता है। इसका सीधा असर विदेशी मुद्रा के भंडार पर और गंभीर नतीजों के रूप में पड़ेगा। तीसरी बड़ी वजह है भरोसे की कमी। श्रीलंका ने विदेश से भारी कर्ज उठाया है। सरकार की कमाई का बड़ा हिस्सा कर्ज की रकम अदा करने में खर्च हो रहा है। इसके बावजूद कर्ज कम होने का नाम नहीं ले रहा। जब श्रीलंका चीन का दिया पैसा नहीं लौटा पाया तो उसे हम्बनटोटा बंदरगाह को लीज पर देना पड़ा। श्रीलंका की छवि डिफॉल्टर्स की बनती जा रही है, यानी उसे दिया गया कर्ज वापस मिलने की संभावना कम आकी जाती है। ऐसे में शायद ही कोई देश या संस्था श्रीलंका को लोन देने का मन बनाएगी। आर्थिक संकट कोरोना के आने से पहले से चल रहा है। सरकार हमेशा ये कहती रही कि सब नियंत्रण में है, लेकिन सब चंगा नहीं सी, मतलब कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा था। वास्तविक स्थिति को लगातार छुपाया गया। इसका नतीजा ये हुआ कि अब स्थिति नियंत्रण से बाहर चल गई है, मतलब श्रीलंका में स्थिति नियंत्रण से बाहर चली गई है। हम इस खबर में श्रीलंका की ही बात कर रहे थे। श्रीलंका के बाद अब चलते हैं बांग्लादेश। यहाँ 5 वर्ष पुराने हत्या के मामले में अदालत का फैसला आया है। इस फैसले को बुनियादी अधिकारों के लिए बेहद खास बताया जा रहा है। पूरा मामला क्या है ये सुनिए। घटना 25 अप्रैल 2016 की है, ढाका में घटी थी। जुलहास मन्नान दफ्तर से घर लौटे थे। मन्नान गे और ट्रांसजेंडर कम्युनिटी पर केंद्रित रूपबाण नाम की एक पत्रिका के संपादक थे। ये बांग्लादेश की अपने आप में पहली और इकलौती मैगजीन थी। मन्नान पहले बांग्लादेश में 2 अमेरिकी राजदूतों के लिए बतौर प्रोटोकॉल ऑफिसर भी काम कर चुके थे। 25 अप्रैल को मन्नान के दोस्त महबूब रबी तोनोए भी उनके साथ ही थे। तोनोए पीपल्स थिएटर नाम के एक संगठन में बच्चों को ड्रामा सिखाते थे। दोनों बैठकर बात कर रहे थे तभी अपार्टमेंट के दरवाजे पर दस्तक हुई। बाहर 5-6 लोग झुंड बनाकर खड़े थे और उनके हाथ में दिख रहा था एक पार्सल। सूरत और सीरत से वो लोग कुरियर वाले ही लग रहे थे। यही परिचय उन्होंने बिल्डिंग के सिक्योरिटी गार्ड्स को भी दिया था, लेकिन इन लोगों का इरादा कुछ और था। पार्सल के भीतर कुल्हाड़ी और तलवारें रखी हुई थी। वे लोग मन्नान की हत्या के इरादे से ही आए थे, लेकिन उन्होंने तोनोए को साथ में देखा तो उन्हें भी जान से मार दिया। अगर तोनोए उस दिन वहां नहीं होते तो भी उनका बचना मुश्किल था। दरअसल इस्लामिक कट्टरपंथियों ने नास्तिक लेखकों, स्वतंत्र विचारकों, अल्पसंख्यकों को मारने का प्लान बनाया हुआ था। ऐसा कोई भी व्यक्ति जो कठमुल्लाओं के नक्शे कदम पर नहीं चलता उनके खिलाफ फतवा जारी हो जाता था। रहस्यमयी हत्यारे आते और ऐसे लोगों को मानकर गायब हो जाते बांग्लादेश में। उनके खौफ की कहानियां चलती थी बांग्लादेश में ही। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार यह अभियान 2013 से 2016 तक चला। इस दौरान कम से कम 39 लोगों की हत्या हुई। आज हम ये कहानी क्यों सुना रहे हैं, इस पे चलते हैं वजह पे। खबर ये आई है कि मन्नान और तोनोए की हत्या के जुर्म में 6 लोगों की मौत की सजा सुनाई गई है। एंटी टेररिज्म स्पेशल ट्रिब्यूनल ने 8 में से 6 आरोपियों को हत्या का दोषी करार दिया। सुनवाई के वक्त उनमें से 4 अदालत में मौजूद थे। 2 दोषी अभी भी फरार हैं। इनमें से एक मोहम्मद जियाउल हक बांग्लादेश की सेना में मेजर रह चुका है। 2012 में असफल तख्तापलट की साजिश रचने के बाद उसे सेना से बर्खास्त कर दिया गया था। जियाउल हक को इन हत्याओं का मास्टरमाइंड बताया जा रहा है। सभी दोषी अलकायदा के ही ब्रांच अंसार अल इस्लाम से जुड़े थे। अंसार अल इस्लाम पर बांग्लादेश सरकार ने प्रतिबंध लगा दिया है पहले ही। अदालत ने अपने फैसले में कहा कि सभी दोषियों का इरादा एक था, वे लोग दूसरों को स्वतंत्र विचार व्यक्त करने से रोकने की कोशिश कर रहे थे। अदालत ने यह भी कहा कि मौत की सजा उदाहरण पेश करेगी कि बांग्लादेश में किसी भी तरह की हिंसा बर्दाश्त नहीं होगी। बांग्लादेश में समलैंगिक संबंध रखना गैरकानूनी है। इसके बावजूद अदालत ने इस फैसले से बड़ी उम्मीद जगा दी है लोगों के बीच। उम्मीद ये कि एक सभ्य और लोकतांत्रिक समाज में हर तरह की अभिव्यक्ति की आज़ादी होगी और चुनाव की आज़ादी भी। और दूसरी बात ये कि असहमति का जवाब हिंसा से देना अपराध था, है और हमेशा रहेगा। बांग्लादेश के बाद अब बारी है चीन की, वो देश जहां प्रोपेगेंडा सरकार की शिराओं में बहता है, अलग लेवल पे चलता है। अब की बार चीन सरकार ने प्रोपेगेंडा फैलाने का एक बहुत नायाब तरीका निकाला है, लेकिन उतना नायाब भी नहीं है वैसे टेक्निकली। 1 सितंबर से चीन में न्यू स्कूल ईयर की शुरुआत हुई। इस बार के सिलेबस में एक नई चीज़ जोड़ी गई है, इसका नाम है शी जिनपिंग थॉट। इसकी पढ़ाई अनिवार्य होगी। इसका मकसद है राष्ट्रपति शी जिनपिंग की छवि को ईश्वरमयी बनाना। शिक्षा मंत्रालय ने कहा है कि जिनपिंग के राजनीतिक विचारों को प्राइमरी स्कूल से लेकर ग्रेजुएशन तक की पढ़ाई में शामिल किया जाएगा। सरकार की तरफ से जारी नोटिस के अनुसार प्राइमरी स्कूल्स के टीचर्स को नई जिम्मेदारी सौंपी गई है। अब उन्हें बच्चों में पार्टी, देश और समाजवाद से प्यार करने की भावना बढ़ानी होगी। स्कूल की किताबों में जिनपिंग की तस्वीरों और उनकी
उक्तियों को भी शामिल किया गया है। चैप्टर्स के बीच में जिनपिंग की आम लोगों से मुलाकात के किस्से दर्ज हैं। चीन में पहले ही जिनपिंग के 14 सिद्धांतों का इस्तेमाल विस्तृत तौर पर हो रहा है। साहित्य और कला से लेकर इंजीनियरिंग के क्षेत्र में भी अधिकारी उनके सिद्धांतों का उदाहरण देते हैं। इतना ही नहीं, कई यूनिवर्सिटीज़ ने इन सिद्धांतों को पढ़ाने के लिए अलग से इंस्टीट्यूट भी खोले हैं। चीन ऐसा क्यों कर रहा है, इसको समझते हैं। इस समय शी जिनपिंग चीन के सबसे ताकतवर व्यक्ति हैं। इनफैक्ट हिस्ट्री में ही उन्हें चीन के सबसे ताकतवर व्यक्तियों में गिना जाता है। 2018 में उन्होंने संविधान में एक बदलाव किया। अब वे जब तक चाहें चीन के राष्ट्रपति बने रह सकते हैं। जानकारों का कहना है कि जिनपिंग का कद आधुनिक चीन के संस्थापक माओ त्से-तुंग से भी आगे निकलता जा रहा है। किताबों के जरिए अब वो इस छवि को स्थापित कर देना चाहते हैं। एक ही चीज़ किसी को बार बार दिखाई जाए तो वो उसके जहन में बैठ जाती है। अगर इसकी शुरुआत बचपन से ही कर दी जाए तो इसका असर क्या होगा, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। ये एक नेता के ईश्वरीकरण की तैयारी है। जैसा कि चीन में रिवाज है, आम लोगों की नाराज़गी के बावजूद इस कदम का विरोध होने की गुंजाइश बेहद कम है। अब बात उस देश की जो इस वक्त पूरी दुनिया में चर्चा का केंद्र बना हुआ है, अफगानिस्तान में तालिबान की वापसी को टॉपिक ऑफ द ईयर कहा जाए तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। 30 अगस्त को अंतिम अमेरिकी सैनिक के अफगानिस्तान से निकलते ही अमेरिका का 20 साल लंबा युद्ध खत्म हो गया। अब तालिबान की सरकार को कोई बाहरी चुनौती नहीं है, तालिबान को घर के अंदर चुनौती मिल रही है पंजशीर प्रांत में। पंजशीर इकलौता ऐसा प्रांत है अब तक जिससे तालिबान ने जीता नहीं है, ना ही उन्होंने सरेंडर किया है। लोकल मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो पंजशीर में तालिबान और विरोधी सेनाओं के बीच ज़बरदस्त लड़ाई चल रही है। तालिबान का दावा है कि उसने पंजशीर को हर तरफ से घेर लिया है। दावा यह भी है कि विरोधियों के साथ समझौते की शर्तों पर बातचीत हो रही है। अब तक का लेटेस्ट अपडेट यह है कि इस बातचीत का पहला चरण विफल रहा है। पहले से ही ये कहा जा रहा था कि बाहरी मदद के बिना पंजशीर बहुत अधिक समय तक तालिबान का मुकाबला नहीं कर पाएगा। आगे क्या होगा, इस पर हमारी नज़र बनी रहेगी। पंजशीर के अलावा अफगानिस्तान में क्या हो रहा है, इसको भी चलते चलते आपको बताते चलते हैं। 14 अगस्त को तालिबान ने काबुल पर कब्जा कर लिया था। उसी दिन से अमेरिका और उसके सहयोगियों ने अपने नागरिकों को निकालने का काम तेज़ किया था। काबुल एयरपोर्ट इस एयरलिफ्ट कैंपेन का केंद्र था। अमेरिका और उसके सहयोगी देशों ने मिलकर एयरपोर्ट का ऑपरेशन जारी रखा। 30 अगस्त को आखिरी अमेरिकी सैनिक के निकलते ही काबुल एयरपोर्ट सुनसान पड़ गया है। एयरपोर्ट चलाने के लिए खास विशेषज्ञता और अनुभव की ज़रूरत होती है। ये दोनों चीज़ें फिलहाल तालिबान के पास नहीं हैं। पहले बात चल रही थी कि तुर्की काबुल के एयरपोर्ट के ऑपरेशन में तालिबान की मदद करेगा, लेकिन अब ताज़ा खबर यह है कि 1 सितंबर को कतर से एक टेक्निकल टीम काबुल पहुंच चुकी है। ये टीम काबुल एयरपोर्ट पर परिचालन फिर से चालू करने के लिए तालिबान लीडरशिप से बात कर रही है। इससे पहले कतर तालिबान और अमेरिका के बीच पीस डील्स में भी मध्यस्थता कर चुका है। यूनाइटेड नेशंस के मुखिया अंतोनियो गुतेरेस ने कहा है कि अफगानिस्तान अकल्पनीय मानवीय संकट की तरफ बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि अफगानिस्तान की आधी से अधिक आबादी को तत्काल मदद की ज़रूरत है। उन्होंने बाकी देशों से अफगानिस्तान में मदद भेजने की भी अपील की है। एक तिहाई से अधिक लोगों को ये तक नहीं पता कि उनकी अगली खुराक कहाँ से आएगी। आशंका है कि 5 साल से कम उम्र के आधे से अधिक अफगान बच्चे अगले बरस तक कुपोषण के शिकार हो सकते हैं। यह हालत कमोबेश पहले से ही बने हुए थे। तालिबान के आने के बाद इसकी तीव्रता बढ़ने वाली है। आज की दुनियादारी में बस इतना ही। अपना और अपनों का ख्याल रखिए। कल आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए शुक्रिया, शुभ रात्रि।